नाथ ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। स्लोगन लेखन में शेषाद्री भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, एक बार जोरदार तालियां सभी छात्राओं के लिए। और वितरण के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती लक्ष्मी आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती। सभी लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती आरती आपको चाबी प्रदान की जाती है आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती रचना आवास की चाबी आपको दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती सीता चाबी आपको प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सुमन विश्वकर्मा चाबी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत श्रीमती उमा देवी आपको चाबी प्रदान की जाती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती अनुराधा दुबे और श्रीमती रेखा आपको 1896 समूह को आरएफ और 1004 समूह को सीआईएफ की कुल 13 करोड़ रुपए का चेक आपको प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत रामसुख कस्टम हायरिंग सेंटर की आपको चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। धन्य मानना चाहिए कि हम जन्म और जीवन दोनों हमारा धन्य हुआ और अब अयोध्या एक नई प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपने देखा होगा इतनी चौड़ी सड़कें, जिधर जाइए आप 4 लेन 6 लेन की सड़क, दिव्य और भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या। और इस दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या के लिए कुछ नई सौगात लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या के लिए डबल इंजन सरकार 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य कर रही है या करा चुकी है या करा रही है। अकेले एयरपोर्ट को याद देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई सोचता था इतना बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या में बनेगा? आज इतनी ज्यादा फ्लाइट, जहां से देखो हर व्यक्ति चाहता, हम भी एक फ्लाइट चलाना चाहते हैं, हम भी एक नई फ्लाइट के साथ आना चाहते हैं। नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, टैक्सी की सेवा बढ़ रही है, गाइड का प्रशिक्षण हो रहा है। और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जहां से देखो अयोध्या को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम सिटी के रूप में विकसित करेंगे। आज परिकल्पना साकार हो रही है, उसी को साकार करने के लिए हम लोगों ने यहां पे 2017 में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। हम लोग जब दीपोत्सव का आयोजन करते थे, लोग बोलते थे ये तो एक औपचारिकता है। हम कहते थे औपचारिकता नहीं है, ये भगवान राम के आगमन के पहले की तैयारी है। चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के आगमन के पूर्व की तैयारी की जा रही है। अयोध्या वासियों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और मैं तो हमेशा आता था, हमेशा आता था, प्रधानमंत्री जी हमेशा पूछते थे अयोध्या में क्या हो रहा है। और देखो दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। इस वर्ष तो 54 देशों के राजदूत भी आए थे। नया घाट, राम जी की पेड़ी, क्या भव्य और दिव्य रूप में हम सबके सामने है। कोई कल्पना करता था ऐसे होगा? राम पद, भक्ति पद, धर्म पद, कोई सोचता था ऐसा होगा? और रेड़ी बाजार से जो फ्लाईओवर बने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बने, कोई सोचता था अयोध्या में ऐसा होगा? एक भी व्यापारी उजड़ा नहीं, सबका पुनर्वास हुआ और सबका व्यवसाय भी कई गुना बढ़ा। जब मैंने वेद प्रकाश गुप्ता से पूछा अपने विधायक जी से, मैंने कहा क्या जब लोग हम सड़क चौड़ीकरण कर रहे थे तब लोग कुछ विरोध कर रहे थे और आज उनका व्यवसाय कितना बढ़ा? उन्होंने कहा 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। भाइयों बहनों, ऐसी प्रगति होती है। और आज अयोध्या को कुछ नया देने के लिए आए हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है 40 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन और 40 का शिलान्यास। आप सोचिए ये सोलर सिटी, अयोध्या तो सूर्यवंश की राजधानी थी, भगवान राम तो सूर्यवंश में पैदा हुए थे और सूर्यवंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी बन रही है।
इसकी भी मैं बधाई देने के लिए आज आपके पास आया हूं। यानी पहली सिटी दुनिया की सोलर सिटी बन रही है और वो अयोध्या धाम हमारा बन रहा है। अयोध्या धाम सोलर सिटी, भगवान सूर्य के ये रोशन से जो धूप होगी इसी से यहां की सड़कें जगमगाएंगी, सौ स्ट्रीट लाइट जलेगी, लोगों के घरों में बिजली तो जलेगी, उसी सोलर लाइट से ही जलेगी। पैनल लगाए जा रहे हैं 40 मेगावाट का, इससे पहले भी प्रधानमंत्री से हम लोग उद्घाटन कराया था।